अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सनिया ब्यूटी टिप्स। और आज की जो मेरी ब्यूटी टिप्स है वो है मुल्तानी मिट्टी के रिलेटेड है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन अक्सर बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो हो जाती है, ऑयली बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। हमें जो है पिम्पल्स वगैरह सारा कुछ वो भी निकल आता है ऑयली स्किन की वजह से। और इसको लगाने से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना ये इसके रिजल्ट मिलेंगे। और इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, और इसके अंदर कौन कौन से हम घर से ही इंग्रीडियंट्स कौन कौन से ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसको लगाने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और ज़रूर ताकि हमारी आगे भी वीडियोस जा सके, आगे भी लोगों को जो है ना वो हेल्प मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हमने सिर्फ एक खाली बॉल लिया है, और इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो है दही। दही जो है वो हमारी स्किन को अच्छा, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी है, बेस्ट है। क्योंकि ड्राई स्किन जिनकी होती है उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुका रुका सा फेस जो है ना वो ज़्यादातर दिखाई देता है। और मुल्तानी मिट्टी तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट देती है, तो इसको हम जो है ना एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और एक चम्मच इसके अंदर मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मुल्तानी मिट्टी की जो है ना वो एक चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप भी इसके अंदर जितना आप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। और इसके अंदर एक अदर जो है वो लेमन जूस, इसका हम थोड़ा सा ऐड करके। और ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेमन जूस जो है ना वो सूट नहीं करता है, तो इसकी जगह पर आप जो है ना वो गुलाब का अर्क वो डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गुलाब का अर्क हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसके अंदर जहाँ लास्ट जो मेरी है इंग्रेडिएंट वो है जो घर में हम लोग हल्दी यूज़ करते हैं वो हम इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और आप वीक में इसको दो बार एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हमें पता है कि ख़वातीन को ज़्यादातर जो है ना वो स्किन का ही ज़्यादा उनको होता है कि वो हम स्किन अपनी जो है ना वो अच्छी रखें, साफ रखें, तो इसलिए ये आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। और इसको लगाने का बहुत आसान सा तरीका है, इसको आप अपने फेस पर लगा लें, पहले अपने फेस को अच्छे से धो लें और उसको उसके बाद आपने ये अप्लाई करना है अपने फेस पर, ताकि जो है ना जो हमारी पहले स्किन जो होती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, फिर हम दोबारा उसके ऊपर ये मास्क लगा लेते हैं तो वो रिजल्ट वो नहीं मिलता है। तो आप पहले अपनी स्किन को धो लें, फिर उसके बाद आप ये जो है ना अपने मुंह पर जो है ना फेस पर, अब गर्दन पर, हाथों पर, पाँव पर, जहाँ भी आप लगाना चाहे इसको आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो है ना रेमेडी बहुत अच्छी लगी हुई हो। और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक भी जो है ना वो जारी है, और अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, और इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ करें। ईद भी आ रही है और उम्मीद है कि आप जो है ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और तब तक के लिए, नई वीडियो के लिए आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।